बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पाकिस्तान टुडे में मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। बजट इजलास जारी है, उसके दौरान वजीर पाकिस्तान की तकरीर के बाद हमने देखा कि बिलाल भुट्टो जरदारी साहब की जो एक तकरीर थी, उसके बाद ख्वाजा आसिफ की तकरीर थी, तो माहौल काफ़ी गर्म है। इस वक्त अपोजिशन इकट्ठी हो रही है। बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ साहब से टेलीफोन पर बात की है और इस बजट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया अपोजिशन ने, और आइंदा हफ्ते एक जॉइंट यानी APC बुलाने के लिए उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी, जिसके तहत मौलाना फजल रहमान से भी बात हो गई है। दूसरा हमारा मौजू होगा कि पाकिस्तान ने एक और गोल अचीव कर लिया है कि CPAC के मंसूबों में जिस तरह पाक चाइना जॉइंट वेंचर्स आगे बढ़ रहे हैं, 1124 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट कुहाला, जिसका नाम रखा है कुहाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक मनसूबा, उसका इफ्तिताह आज वजीर आजम पाकिस्तान ने किया है। तीसरा यह कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आज एक और रेफरेंस दायर हो गया है, यानी मीर शकील रहमान के साथ कनाइमेंस और दो सबका DGLD के खिलाफ आज एक और रेफरेंस दायर हो गया है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक वो मोटो भी लिया है कि एक मौलाना साहब एक ऐसी तकरीर कर रहे हैं जो कंट्रोवर्शियल है और अदारों के खिलाफ है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला है कि ऑयल कंपनियों के खिलाफ तहकीकात जारी की जाएँ। ये हमारे मौजूद रहेंगे। खबर नहीं वाशिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खबर नहीं वाशिम साहब, पहला मौजूद ये कहते हैं कि अपोजिशन इकट्ठी हो रही है, उन्होंने ये बजट अजलास है, आपको पता है कि किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में सबसे अहम तरीन डॉक्यूमेंट ये सेशन होता है, किसी भी जमहूरी मुल्क में जिसको पास कराना ज़रूरी होता है, और अगर पास ना हो तो हुकूमत जो है वो गिर भी सकती है। लेकिन ये है कि देखा जाए कि उन्होंने जो जब हम कहते हैं सारा बजट ही मुस्तरद कर दिया, तो वो कौन कौन से अदारों का बजट भी तो उसमें शामिल था, यानी ये हो क्या रहा है कि ना तो अपोजिशन ने कभी कोई उसमें कट मोशन देती है, ना इस बजट की खामियों को बयान करके कि अपनी नई तजावीज़ दे सकी है। सिर्फ ये है कि एक आपने तकरीरें सुनी होंगी पार्लियामेंट में कि ब्लेम गेम चलती है, आपने ये किया, आपने आपकी शख्सियात पर यानी क्रिटिसिजम होती है, गन चला जाता है, क्या कहेंगे? मैंने क्या कहना, सारा कुछ आपने कह दिया। आप ये मुझसे पूछ रहे हैं कि बजट पास नहीं होने देंगे, ऐसा ही है, तो फिर आप कह रहे हैं कि अपोजिशन जो है वो इकट्ठी हो रही है। अपोजिशन कल तक जितनी इकट्ठी थी उतनी ही हो रही है, जितनी आज इकट्ठी है उतनी ही हो रही है, और ये कोई नया अपोजिशन के इतिहाद का कोई मुझे मंजर नजर नहीं आ रहा। हालांकि ये जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है बिलावल भुट्टो साहब के और शहबाज शरीफ के दरमियान, इसके बारे में मेरी इतला है कि टेलीफोन जो है वो बिलावल भुट्टो की तरफ से गया उनको, ऐसा ही है। तो अगले हफ्ते APC बुलाने के पे भी इत्तफाक हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि ये आपने बात कही कि बजट पास नहीं होने देंगे, तो आपने एक बीच में एक नुक्ता डाल दिया कि बीच में हजारों का भी होता है। ये पाकिस्तान में रवायत है कि जब भी बजट पेश होता है पाकिस्तान की जो अपोजिशन होती है वो उसको कभी भी उन्होंने कबूल नहीं किया। अगर कोई आपके पास मिसाल है तो मुझे बता दें, वो टोटल रिजेक्ट किया करते हैं। उसमें नहीं होता कि आपके कितने पैसे हैं या मेरे कितने पैसे हैं, वो एलोकेशंस जो होती हैं उन पर एतराजात होते हैं। इसका आसान तरीका तो ये होता है कि असम्बली में बहस की जाए। लेकिन अब ये हो गया है कि कल जो वजीर अजम पाकिस्तान है वो भी एक अरसा इतराज के बाद तशरीफ लाए वहां पे, और बिलावल भुट्टो साहब का भी मैंने देखा एक लंबी लंबी तकरीर करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। तो ऐवान का जो तकद्दस है, जो उसका असल है, ऐवान को जिस तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए कानून साजी के लिए, वो कानून साजी बयानबाजी के जरिए हो रही है। यही मेरा सवाल था कि जब बजट की डॉक्यूमेंट पेश होते हैं, इंटरव्यूज में होती है, टेलीविजन के प्रोग्राम्स में सारा कुछ हो जाता है। ऐवान तो ऐवान रहा ही नहीं, पहले हम कहते थे कि इमरान खान है, ऐवान को अहमियत नहीं देते। मैं समझता हूँ कि कोई भी अब अपोजिशन भी ऐवान को, साहब आपसे ये शेयर कर रहा हूँ कि कभी आपने सेशन देखा हो इसके अलावा भी, मतलब जब बजट सेशन में आपने देखा कि बजट की बुक्स जो होती है उनकी तादाद 7-8 होती है, इतनी मोटी मोटी किताबें होती है, या वो पहले दिन ही हमेशा हर दौर में जब भी बजट पेश होता आपको याद है कभी वो पहले दिन ही फाड़ दी जाती है, पढ़ने की नहीं। आपने कभी कभी इंटरव्यू का मौका मिले किसी यानी पार्लियामेंटेरियन से तो उससे पूछे कि इसमें कौन कौन से
हेड में कौन को कितनी कितनी अमाउंट रखी गई है। अल्लाह मुझे बचाए जी किसी पॉलिटिशियन का पार्लियामेंटेरियन का इंटरव्यू लेने से। नहीं, अगर आप पार्लियामेंट में बैठे मुझे जाहिर है हम तो यहाँ बैठ के पूरी जिंदगी में यहाँ से बैठ के रहा हूँ और मैं इस तरफ गया ही नहीं कभी। नहीं, यहाँ बैठ के हम बात तो कर रहे हैं, चूंकि हम तो जो अदराक रखते हैं, जो हमारे जेहन में आता है, जो हमारे वजदान में आता है, जो चीज हम समझते हैं, तरह का बात कर लेते हैं तो हम पिछली असेंबली में। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, बिलावल भुट्टो ने और इसने शहबाज शरीफ ने इत्तफाक राय किया कि हम मुश्तरका तौर पर बजट को अक्सर मुस्तरद करते हैं, बजट पास नहीं होने देंगे। ठीक है, तो एक तो ये है कि इम्कानी तौर पर हमें ये देखना पड़ेगा कि काफ लीग के जो है और दूसरे जो इतादी हैं, नाराज इतादी हैं, वो इसमें क्या रोल अदा करते हैं, बीएनपी है या दूसरी पार्टियां। बजट मेरे नजदीक पास हो जाएगा, मेरे नजदीक पास हो जाएगा, लेकिन अगर पास नहीं होता तो इकबाल शाह साहब उस दिन के बाद अगली सवेर इमरान खान की हुकूमत नहीं देख सकते। अगर पास नहीं हो, नहीं, वो तो डेफिनेट कानूनी है, वो कानूनी है, यानी बजट होना है तो फिर होना है बस। बजट के ऊपर अगर आप एक वोट भी लूज कर जाते हैं, लेकिन मेरा सवाल खबर नहीं, हाशमी साहब, ये था, हमें थोड़ा सा डिस्कशन इसलिए मैंने थोड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश की है कि पिछली असेंबली में 69 मेंबर्स ऐसे थे जो पूरा 5 साल उन्होंने असेंबली में बात ही नहीं की। अब भी आप अगर याद हो तो मुझे बताइए कि कोई एक दर्जन के करीब जो लोग हैं मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के, ये नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, उनके अलावा कभी आपने किसी को बजट तजावीज या बजट पर किसी इजहार ख्याल या बजट की खामियां या बजट की खूबियां बयान करते हुए देखा हो? जी, उसकी वजह है, उसकी एक वजह है कि जब भी कोई डिस्कशन होती है, मुबासा होता है ऐवान के अंदर, तो जो पार्टियाँ होती हैं, बड़ी पार्टियाँ खास तौर पर, उनको हदायत की जाती है कि इस इशू पे फ्लाप फ्लाप बोलेगा, और वो जो दूसरे अरकान बैठे होते हैं वो सहमे हुए, बात करना भी चाहते हैं तो वो डरे होते हैं कि कोई बात कर दी तो लीडर हमारे जो पार्टी लीडर है, क्यादत है, उसको बुरी ना लगे। तो डिक्टेटरशिप है ना इसको, आप डिक्टेटरशिप, सिविल डिक्टेटरशिप कहें जी, पार्टियों के अंदर डिक्टेटरशिप मौजूद है। फिर और भी आपके लिए खबर है, बल्कि नाजरीन के लिए भी, कि कई ऐसे मेंबर्स कई कई टने और गुजार गए, उन्होंने असेंबली में कभी किसी मौजूद पर तकरीर नहीं की, बजट तो छोड़ दें। फिर मुझे बताइए उनकी वहां नुमाइंदगी जो है अपने इलाके की, सिवाय इसके कि वापस आके वजीर आला से मिलना या वजीर से मिलना, फंड लेने, इसके अलावा कोई चीज रह जाती नहीं? बजट हो या दूसरे मामला हों, कौमी सलामती हो या फॉरन अफेयर हो या कोई इकानमी हो, यानी यहाँ तो वहां जाके पाकिस्तान में, आप लंबी बात कर रहे हैं, आसान सी बात है, पाकिस्तान में 90% जो हमारे मुंतखब पार्लियामेंटेरियंस होते हैं उनको बजट पढ़ना ही नहीं आता। एक मैं 85 से देख रहा हूं, है जी। और मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि जब बजट आता था तो हम DGPR से उसकी एडवांस कापियां मंगवा लिया करते थे अपने ताल्लुक की बुनियाद पे। चाहिए। और उस दिन जो हमारे अखबार का दफ्तर एक होता था उसमें छुट्टी बंद हो जाती थी, पीएन भी नहीं छुट्टी करेगा, सब एडिटर भी नहीं करेगा, न्यूज एडिटर भी नहीं करेगा, फ्लॉप भी नहीं करेगा, टेलीफोन भी नहीं करेगा जी, और टेलीफोन भी बाहर नहीं करेगा। नंबर टू, कि देगे मंगवाई जाती थी, दो वक्त का, तीन वक्त का मुलाजमीन को खाना दिया जाता था, तो लोग जो है कापियां लेके ना तो उसको पढ़ना शुरू कर देते थे और रात के 2-3 बज जाते थे, लोगों को समझ में नहीं आता था, कई चीजें रह जाती थी। मुझे एक दिन मेरे एक रिपोर्टर खलील ने, जो अब दूसरे एक टेलीविजन पे काम करता है, मुझे कहा कि शाह जी, मैं कई साल तो देख रहे हैं कि बजट वाले दिन पूरे दफ्तर नु वक्त पे आंदा है, तो तुम, मैं आज एक गल कहां, बुरा तो नहीं मनाओगे, मेरी गल मान लोगे? मैं कहा दस। कहता जी, तमाम डाकूमेंट्स जेड़े ने ना बजट दे, वो किसी ने भी नहीं देने, मेरा वो छोटा जा कमरा उत्थे रख दियो, मैं तुम्हें एक घंटे बाद बजट बना देंगे। खुदा की कसम ने बना के देता, कोई चीज भी मिस नहीं सी, सर पढ़ने वाले कोई नहीं गा ऐसे, क्योंकि मैंने तो खुद उसको विटनेस किया है, क्योंकि मैंने सेशन के अटेंड भी किए हैं और मैं हिस्सा भी रहा हूँ। मैंने देखा है कि इतनी भारी किताबें होती हैं, वो बाद में मैंने अपने ड्राइवर को कहते हैं कि ये गाड़ी में रख ले, इन्हू कार ले जा। ये मैंने देखा भी पंजाब का बजट, पंजाब का बजट एक छोटे अखबार ने, निस्बतन छोटे अखबार ने 4-5 दिन के बाद उसमें स्टडी करके एक फ्रंट पेज पर 3 कालमी खबर लगाई, और उसमें मुझे पता चला कि कम अज कम
4-500 अशिया पे टैक्स लगा है। चलो लास्ट पर एक मौजूद खत्म करने जा रहे हैं, बताइए कि जो एपीसी है जहर हक, पिछले दिन कई एपीसी हुई हैं, कभी फजल रहमान ने किया है, कभी नून लीग ने किया, ये करते रहते हैं, ये जो नया यानी ये एपीसी होगी इसको उससे ज्यादा समझ सकते हैं कि आफ्टर शॉक्स होंगे या कोई ऐसी फॉर्मेशन बन रही है ऐसा हुकूमत के खिलाफ, जिस तरह ख्वाजा साहब ने असम्बली में कहा कि भाई वजीर आजम जो है वो उसने खुद कहा कि 5-6 महीने बड़े अहम हैं और मैं कहता हूँ चलो जाते जाते, मतलब लोगों के जहनों में वो जिस तरह पोलिटिकल सिनारियो बनाते हैं, सियासतदानों का हक है कि लोगों को यानी कन्फ्यूजन में मुबतला रखना कि वो हम आ रहे हैं वो जा रहे हैं, यानी इस मुल्क के लिए कोई बजट की तजावीज़ आपने सुनी हो तो मुझे बताइए, ये जो अलायंस सा बन रहा है एपीसी सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ये इसके रिजल्ट्स क्या गारंटीड होंगे, कुछ एस्पेक्ट है आपको क्या होगा? देखिए ये मैंने आपको बताया ना, ये बजट पे पता चल जाएगा, बजट पास हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन बजट के हवाले से अगर ये नाराज जो इतिहादी पार्टियां हैं उनको अपने साथ मिलाने में कामयाब हो जाते हैं। शेख सीद ने भी कहा है ना कि मंगल नहीं जा रहा कहीं वगैरह वगैरह, जो कहने में तो कोई अर्ज नहीं है ना जी, शेख रशीद साहब। अच्छा अब हमारा दूसरा बड़ा ही खूबसूरत, मैं समझता हूँ कि इस तरह की वाकयात बातों के दरमियान एक ठंडी हवा का झोंका भी है, चीन हमारा बड़ा ही ऐसा दोस्त है जिसने हर मुश्किल हमारा साथ दिया है, बिजली घर जो बन रहे हैं, असल में तो हमारा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक है वही मसले का हल है, कालाबार डैम हम अब तक नहीं बना सके और वो सारे मसाइल हल हो जाने थे, अगर अगर कम कीमत बिजली हमें मिल जाती या आईपीपीसी ना होते तो यहाँ इंडस्ट्री कायम होती, इंडस्ट्री के कंपिटेटर हम होते और अच्छी चीज़ें बनती, सपोर्ट करते, अब तो खैर हो ही नहीं सकता। ये है कि एक ओहला में एक जॉइंट वेंचर टाइप है, इन्वेस्टमेंट तो कर रही है एक चाइना की कंपनी, तो चीनी सफीर भी वहाँ मौजूद है, वजीर पाकिस्तान ने वहाँ इफ्ताह किया, 1124 मेगावाट का वो प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए कि जरा थोड़ी रोशनी डालें, मैं थोड़ा फिर मैंने आपसे पहले भी कहा 2-3 दिन से मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि आप सवाल नहीं करते, आप सवाल के साथ जवाब दे देते हैं। कैसा कैसा मैंने जवाब दिया? आप जवाब दे देते हैं डिटेल के साथ, नहीं उसमें ऐड करें ना आप, मैं उसमें क्या ऐड करूँ सवाए इसके कि मैं आपको कहूंगा कि सबसे पहले तो ये है कि जनाब ये चीन की बहुत बड़ी पाकिस्तान में सरमायाकारी है और पाकिस्तान में इतनी ज्यादा एक वक्त किसी प्रोजेक्ट पे अरसाए दराज के बाद एक सरमायाकारी हुई है, नंबर एक। नंबर टू खुशी की बात यह है कि ये प्रोजेक्ट जो है आजाद कश्मीर में लग रहा है, और तीसरी खुशी की बात यह है, तीसरी खुशी की बात यह है कि आजाद कश्मीर में लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा, ऐसे ही, और चौथी इसकी बात यह है कि इससे हमारे जो बिजली के मसाइल है वो भी हल हो सकते हैं। ये इसको तीन फ्री कह सकते हैं, बस उन जाहिर है उनको भी हम एक इंडिपेंडेंट अभी तो ही कहेंगे। तो अब मैं थोड़ा सा अगर चाहें तो कंपैरिजन कर दूं कि ये मंसूबा जो है वो किस तरह है। अब देखिए जब हम ये कहते हैं कि तरबेला डैम बन जाता, तरबेला तो बना हुआ है, कालाबाग डैम बन जाता, कालाबाग डैम 3600 मेगावाट का है, जबकि जिस वो मनसूबा शुरू हुआ है जिसके लिए बड़ी चीखो पकार है, इंडिया पूरी कोशिश की उसको गिलगितस्तान को कंट्रावर्शियल करने के लिए, वो 4800 मेगावाट का है, इसका मतलब ये है कि जो कालाबाग डैम से भी वो बहुत बड़ा है, इसमें हमारी जो कैपेसिटी है इस वक्त आप हैरान रहेंगे कि 37,000 मेगावाट बिजली के करीब हम पहुंचने जा रहे हैं 2020 में, और हमारी जो जो जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं जितनी हमारी है वो 25,000 है, वो बाकी किधर है? बाकी हमारी जो ट्रांसमिशन पुराने लाइनें बिछी हैं वही खा जाती हैं, और जिसको लैंड लॉसेस कहते हैं, यानी हम इंतजाम नहीं कर सके। फिर यह है कि जो हमने कायदे सोलर प्रोजेक्ट भावलपुर में किया वो सिर्फ 100 मेगावाट का है, जो 18 मेगावाट पर चल रहा है, इसका मतलब यह है कि अगर ये 1124 मेगावाट का प्रोजेक्ट जब मुकम्मल होगा तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बिजली सस्ती भी होगी और बिजली वाफर भी होगी, और अगर ट्रांसमिशन सिस्टम हम जो बेहतर कर लें, आपकी जुबान मुबारक करे जी, हाँ हम तो चाहते हैं ऐसे हो, मत कराची में लोड शेडिंग हो रही है, फिर वो क्या है, वो मिसमैनेजमेंट है, होना चाहिए, पता नहीं जी, वो जो इंतजामिया है कराची इलेक्ट्रिक की तो उनका तो कहना है कि हम पूरी नहीं, वो बैड गवर्नेंस है, उनके पास तेल मौजूद है जो उन्होंने लिखा कि हमारे पास अंदर नहीं है, लेकिन मसला यह कि अभी भी माफियात काम कर रहे हैं, हुकूमत की इसमें नाकामी है, ये वापडा की या जो भी उसको हैंडल कर रहे हैं अथॉरिटी, यानी वाटर एंड पावर, हुकूमत को ये जो हुकूमत वक्त है, देखिए हम किसी
ना नवाज शरीफ साहब, ना पीपल्स पार्टी, ना हमारे जो इमरान खान साहब हैं, तहरीक इंसाफ है, तो हम इनमें फरीक नहीं है। हम माजी में भी तनकीदी जायजा लेते रहे हैं चीज़ों का, आज भी लेते हैं। तो मैं समझता हूँ आपकी बात की तायद करता हूँ कि अगर हुक्मरान जो हैं ये अपोजिशन से नजरें हटा के उसको टारगेट बनाने की बजाय इन चीजों को तरफ आ जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए। के इलेक्ट्रिक वहां इस वक्त वबा वायरस फैली हुई है, बेताशा आपने देखा। कल मैंने बताया ना आपको कि बूढ़े मर जाएंगे सारे पाकिस्तान में, सबसे ज्यादा तादाद बूढ़ों की कराची में है। तो फिर अगर बिजली नहीं आएगी तो क्या होगा? मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा बूढ़े और सबसे ज्यादा बीमार लोग जो हैं और सबसे ज्यादा गुर्बत ज्यादा लोग जो है किसी शहर में वो कराची है। और ये बिजली डे नाइट और गैर एलानिया लोड शेडिंग अब लाहौर में भी शुरू हो गई है, पंजाब में भी शुरू हो गई है दो दिन से, ठीक है जी। तो ये चीजों जो है माशरे की और बात है जो मतलब मेरे नोटिस में आई है, सारी चैम्बर्स कॉमर्स की एक डिमांड है जिस पर हुकूमत अब भी कोई जरा भी कान नहीं धर रही। वो कहते हैं कि जब हम नई इंडस्ट्री के लिए एनओसी लेने की कोशिश करते हैं उसमें मैंडेटरी है कि आप वापडा का कनेक्शन लें। हम कहते हैं कि हम बिजली अंदर ही पैदा कर लेंगे, वो इजाजत नहीं देते। ये कौन सी पॉलिसी है जी? ये तो हुकूमती कोई आपको मंसूबा साज बता सकेगा कि मुमकिन है कि वो रेवेन्यू के लिए करते हो कि जी अपनी बिजली बनाएंगे तो हमारा रेवेन्यू कम हो जाएगा। इसमें भी मैं कभी अपने जारादारी नहीं छोड़ना चाहते। अगर मैं समझता हूँ इंडस्ट्रियलिस्ट जो है अगर वो अपनी जाती बिजली पैदा करके इंडस्ट्री चला सकते हैं तो वो सरप्लस बिजली जो है हुकूमत को भी दे सकते हैं, मुल्क में बिजली का बहरान हाल हो सकता है। अब हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं नाजरी, हमारे साथ तरजीहात में तालीम कहाँ है, सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है, तालीमी नसाब से तहकीक के मैदान तक, मददारी से यूनिवर्सिटीज तक, लेबोरेटरियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपने अपने इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा उसूल, हमारी सहाफत, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी, सेहत, इंसाफ और तालीम का मियार, पाकिस्तान के कोने कोने में हर वाक़े की हमें खबर है क्योंकि हम हैं हर जगह मौजूद। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपने अपने इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा उसूल, हमारी सहाफत, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी, सेहत, इंसाफ और तालीम का मियार, पाकिस्तान के कोने कोने में हर वाक़े की हमें खबर है क्योंकि हम हैं हर जगह मौजूद। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। खबर नहीं आशमी साहब, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एक और रेफरेंस दायर कर दिया गया है लाहौर एहतसाब अदालत में। मीर शकील और रहमान को जो अलाटमेंट हुई थी 54 प्लाट्स की
उसके साथ दो डीजी एडिटिंग, क्या कहेंगे जी? बड़ी मेहरबानी है नैब की। एक तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इकबाल शाह साहब कि मैंने पाकिस्तान में आज पहली बार इस इशू पे आपके साथ डायलॉग कर रहा हूँ। मैंने किसी और प्रोग्रामों में जाते हैं या डिस्कशन होती है कुछ भी, मैंने इस पे अभी तक कभी तबसरा नहीं किया। और ये तबसरा एक मैं अगर किया है तो कैनेडा के एक टेलीविजन पे इस पे मैंने थोड़ी सी बात की थी जब ये उनकी जरिए रियासत थी। बड़ी देर का हिस्सा रहे हैं। नहीं, मैं 35 साल जी 1980 से लेकर 2015 तक जियो का हिस्सा रहे हैं, जंग का हिस्सा रहे हैं। हाँ, मैं जंग का एडिटर रहा हूँ, जियो का ब्यूरो चीफ रहा हूँ। 35 ईयर मैंने लाइफ जो है वो है। और ये जो मामला है ये भी मेरे सामने का मामला है। ये मेरा ख्याल है कि ये 83 का है या 85 का है जब ये जमीन मिली थी उसको मीर साहब। सबसे पहले ये मामला उठाया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा और हमारे दोस्त जहांगीर बदर ने। अच्छा, सबसे पहले उनका बयान दूसरे अखबारों में छपा था कि जी मीर शकील रहमान साहब जो है जी इन्होंने वो कारकुनों की कॉलोनी बनाने के नाम पे जमीन ले ली है, और उसने बयान दे दिया। जब मुझे वो जहांगीर बदर साहब मिले तो मैंने उनसे पूछा कि आपको ये कैसे कंफर्मेशन है कि ये जमीन जो है ये कारकुनों के नाम पे ली गई है? उन्होंने कहा कि आपके दफ्तर के एक बंदे ने मुझे ब्रीफ किया था, मैंने बयान दे दिया। अच्छा, ठीक है। ये उसके बाद ये वाकया जो है कि कितने साल, मेरा ख्याल है 37 ईयर आफ्टर 37 ईयर। मैं अब इसमें मौकफ मैं आपको बताता हूँ कि मीर शकील रहमान साहब का मौकफ यह है कि उन्होंने एच ब्लॉक में जो अराजी है वो मोहम्मद अली वगैरह 3 अफराद से खरीदी थी, और मोहम्मद अली वगैरह 3 अफराद की 180 कनाल अराजी जो है वो एलडीए को दी गई थी, और एग्जेम्पशन में उनको 54 कनाल मिली मोहम्मद अली को और उनके दो साथियों को, और वो 54 कनाल उन्होंने खरीद ली। ये उनका मौकफ हो गया। अब नैब का जो मौकफ है वो ये है कि एग्जेम्पशन जो होती है कवानीन के मुताबिक एग्जेम्पशन जो होती है वो एक जगह पर एक एक कनाल के 15 प्लाट दिए जा सकते हैं, 54 नहीं, ऐसे ज्यादा नहीं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। तो ये अगर 54 प्लाट अलाट किए थे एलडीए ने तो ये मोहम्मद अली वगैरह को किए थे, मीर शकील रहमान को नहीं किए थे। एक बात तो ये आ गई, मौकफ हो गया ना। नंबर टू जो मैं इसमें ये बात समझ, तो आप इसमें जितनी मर्जी बात कर ले, आपकी भी मैं राय सुनना पसंद करूंगा इस पे कि नवाज शरीफ को इसमें साथी शरीक मुल्ज़िम बनाया गया इस केस में कि इन्होंने अलाट की। इस फैसले के बाद मैं इस सोच में पड़ गया कि अगर जंग अखबार 1980 में निकला है और ये 3-4 साल के बाद इतनी बड़ा, नवाज शरीफ ने जो उस वक्त वजीर अला पंजाब थे उन्होंने ब्लाइज कर दिया मीर शकील रहमान को, तो 91 में जब लड़ाई हुई थी नवाज शरीफ की, वो भी मुझे पता है, नवाज शरीफ की और मीर शकील रहमान की, आपका नक्शा पास नहीं था। वो सर लड़ाई जो होनी थी कर्फ्यू लग गया था डेविस रोड पे, कर्फ्यू लगा था पूरे डेविस रोड पे, कोई शहरी नहीं गुजर सकता था। जंग अखबार के जो मुलाजमीन थे जो अंदर थे वो कई दिन तक अंदर रहे। मैं अपने एक दोस्त का नाम लूंगा गवाही के तौर पे यहां आपको कि कागज भी अंदर का खत्म हो गया, अगले दिन का अखबार छापने के लिए कागज नहीं था। जमात इस्लामी के हमारे दोस्त अमीरुल अजीम साहब अपनी यहां बगल में रख के कुछ कागज लेके आए तो अगले दिन का एक सफे का अखबार छपा था। मैं ये सवाल करता हूं कि जब नवाज शरीफ और मीर शकील रहमान की यहां तक लड़ाई शुरू हो गई थी तो नवाज शरीफ को क्यों याद नहीं आया कि उसने मीर शकील रहमान को अप्लाई किया? नहीं, वो तो आपने जो बयान किया जाहिर है आप विटनेस हैं, लेकिन मैं भी आपको बात बताता हूँ, इस तरह नहीं है। इस तरह इसलिए नहीं है कि जब रेफरेंस बनता है, इंक्वायरी होती है तो डॉक्यूमेंटेड होती है, जुबानी बातें नहीं होती। समरी जवाब देते, सिर्फ एक सवाल का, एक सवाल का, फिर उसके बाद जितना मर्जी। ये मिसकंडक्ट हुआ, मीर शकील रहमान पे इल्जाम आया, नैब ने किया। मिसकंडक्ट नहीं है, ये बकायदा मैलाफाडी अटेंशन है।
जो मर्जी उसको कह लिया, आपका जो दिल करता है, एक आप कहें जी जुर्म हुआ, जुर्म है ठीक है जी, जुर्म हुआ, नैब को बने हुए कितने साल हो गए, और इस वक्त सारा मुल्क इस तरह कहेगा जी सब इसका मतलब, अगर आज वो केस डिस्कवर होता है अगर ये पता चलता है, ये तो कोई बात नहीं, अगर आज केस इसमें 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 सियासी मुदाखलत नजर आती है, नहीं ये सियासी कौन सा सियासी है वो, ये भी मैं जानता हूँ, नहीं ये कौन सा ये भी मैं जानता भाई, मैं बताता हूँ सूरत हाल पता है, एलडी के एग्जम्पशन की मीर शकील रहमान साहब की और इमरान खान की कितनी गहरी दोस्ती थी, वो बात उस तरफ अब हम नहीं लेके जा रहे, उस तरफ हम बात नहीं लेके जा रहे, ये अगर अगर तो वो कहता है कॉलोनी बनानी तो फिर जब वो कहते हैं कि वहाँ कॉलोनी बनानी थी तो नहीं बनी, आपने ये भी कहा, फिर यह है कि जब कहा मैंने आपको कहा कि जहांगीर बदर ने कहा कि आपके दफ्तर के एक आदमी ने जो जंग में यूनियन बनाना चाहता था, उस आदमी ने जहांगीर बदर को ये बात कही और उसने बयान दे दिया, हो सकता है इतनी जगह चुरंजा कनाल जमीन लाहौर की यानी मेन जो रोड कैनाल है उसके ऊपर अलर्ट होती है, तो हो सकता है उसके पीछे और गलियां तक तो उसको अलर्ट ट्रांसफर कर दी गई, कभी सुना है आपने कि जो लेफ्ट राइट गली भी उसको ट्रांसफर कर दी जाए, मसला अगर ये आपका पॉइंट ले लिया जाए कि जी नैब को बने कितने साल हो गए, तो अब ये जो है उसको यानी पकड़ने के लिए बहाने तलाश किए गए, ऐसा इसलिए नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में जितने क्राइम या जुराइम हो रहे हैं हुए हो चुके हैं, तो उसका मतलब उसको वो हर आदमी आके अदालत में कहे जी आपने मुझे पहले क्यों नहीं पकड़ा, वजह यह है कि ये बकायदा तौर पर जब आपने ये भी कहा कि जो सबका मालगन तो उनको एग्जम्पशन मिली है, एक रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है, वो इसलिए कि यहाँ पाकिस्तान में पावरफुल आदमी को ही ऐसा हो सकता है, गरीब आदमी कहाँ मिलती है, फिर दूसरा उसकी जमीन कहाँ थी, क्या इसी जगह थी, क्या किसी और जगह थी, क्या बुरी जगह थी, मेरा ख्याल है कि दो दिन के बाद हेयरिंग रख ली है, दुरुस्त है अदालत, तो वैसे ही हमने बात की है, तो वहां दूध का दूध पानी का पानी, दूध का दूध तो पता नहीं कब होगा, पानी इस मुल्क में कब होगा और कहां तक ये चलेगा, ऐसा नहीं है, मैंने तो ये भी देखा दरिया रावी कहां बहता है, वहां के एग्जम्पशन प्लाट नहर के ऊपर भी आए हुए हैं, मैंने देखा अब भी मुझे पता है किसके हैं, वजह यह है कि एलडीए में मैंने ये भी देखा कि एक ऐसे स्पीकर थे नेशनल असेंबली के जिनको दो किनार का जब समरी पेश हुई मुझे दे दिया जाए, मेरे घर नहीं है लाहौर में, मैं 22 किनार दे दी गई, मैं आपकी इस बात से तो कतई तौर पे 100% इतफाक करता हूं कि पाकिस्तान में एलडीए करप्शन का सबसे बड़ा दायरा है, ये मैंने आपको कहा, डीजी जो चीफ सेक्रेटरी है ये केस जो है इसकी प्रोसीडिंग शुरू हो रही है दो दिन के बाद, हम इस पर बात करते रहे, ओके। दूसरा यह कि साहब का कई डीजी ऐसे हैं जो चीफ सेक्रेटरी बन चुके हैं और मेरा उनसे मिलना जुलना है, उन्होंने खुद कहा कि हमने अपने बेटों को बेटियों को औलाद को लोगों को दोस्तों का जिंदगी में कभी इस एलडीए के दरमियान ना कोई प्लाट खरीदना कहीं और सके, इतनी कॉम्प्लिकेशन है, आदमी तो डर जाता है, आपने देखा कौन सा बाईलाज बनाया, इस हुकूमत ने भी कोई रिफॉर्म नहीं किया, पूरा जोर टॉप जो है इसने कोई रिफॉर्म इस गवर्नमेंट ने नहीं किया, कि लैंड रेवेन्यू एक्ट में सिंपल बात है, अगर यू हैव द ओनरशिप इन काइंड ऑफ पर्सन ऑफ रजिस्ट्री है गिफ्ट है फर्द है तो आप यू शुड गो टू द सब स्टार एंड देन यानी देने और देने वाला आमने सामने हो गए उसको दे दीजिए, अंग्रेज कानून बना के गया, लेकिन यहाँ आपकी उम्र गुजर जाएगी, आगे चलते हैं उसको छोड़ देते हैं, अब ये है कि ख़ाबने वाशिम साहब की पढ़ाई अजीम इंसान जमात इस्लामी के साहब का अमीर सैयद मुनव्वर हसन साहब को याद ना करें तो फिर ये मैं समझता हूँ कि ये भी एक अहम अहद साद शख्सियत थी सैयद मुनव्वर हसन साहब जमात इस्लामी के अमीर और वो फरमा गए, तो जमात इस्लामी को आपको पता है कि कैसी जमात है जहाँ इस वक्त भी गया गुजरे दौर में भी अमीर ऐसे मुंतखब नहीं होते, ना ये पॉलिटिकल पार्टी जा रही है कि इनहेरिटेंस हैं बाप के बाद बेटा है बेटे के बाद अगला बेटा है और ये अगर नहीं पैदा हुआ तो पैदा करने की कोशिश भी करते हैं कि हो जाए तो उसका नाम ही रख लें, तो ये मुनव्वर हसन साहब के मुतल्लिक आप जरा थोड़ा, मैं नजरियाती तौर पर जमात इस्लामी के मुखालिफ रहा हूँ, नजरियाती तौर पर जब इनकी तलबा तंजीम जो है वो बहुत हरकत में थी, तो इस वक्त सूरत हाल ये है जो जमात इस्लामी के हवाले से अभी मैंने अमीरुल अजीम साहब का नाम लिया, मैं अमीरुल अजीम को अपने बेस्ट फ्रेंड्स में से एक शुमार करता हूं, और पाकिस्तान में जमात इस्लामी की जो तारीख है इसमें मैं काजी हुसैन अहमद और सैयद मुनव्वर हसन मेरे नजदीक ये बेलौस मुखलिस और इस मुल्क और इस मुल्क के अवाम के साथ मोहब्बत करने वाले लोग थे, मैं सैयद मुनव्वर हसन साहब जो है जो पार्टी में जमात इस्लामी में ये पैदायशी जमाती ये नहीं थे,
पैदाइशी नहीं होता, विरासत में मिलती है। आप कराची में रहे हैं ना, तो वो शामिल हुए थे एक आम कारकुन के तौर पे, एक आम कारकुन के तौर पे, तो यहां तक पहुंचे। मतलब एक मुसलसल जद्दोजहद के बाद इलेक्शन के जरिए वो जमात इस्लामी के, ये मेरा ख्याल है 2009 से 2014 तक 5 साल रहे, मेरा ख्याल है 14 तक जमात इस्लामी के अमीर रहे। तो अल्लाह ताला उनकी मुगफरत करे। काजी साहब भी बड़ी मुतहरक शख्सियत थे जी। काजी साहब से तो मेरा बहुत ज्यादा ताल्लुक है, वो लंदन में जब उनका ऑपरेशन हुआ था तो मैं उनके इयादत के लिए भी जाया करता था। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि मेरा सैयद मौलाना मौदूदी साहब से भी बहुत ताल्लुक रहा है, वो के मैं उस वक्त बहुत छोटी उम्र में था, मैं बच्चों की तरह उनके छोटे कमरे में इछरे वाले मकान में चला जाया करता था। और मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बताता हूँ कि उन्होंने जैसे बाप देता है ना स्कूल जाते हुए बच्चे को पैसे, तो जब मैं उनसे मिलने जाता था वो अपने तकिए के नीचे से 1 रुपया का ठीपा निकाल के मुझे दिया करते थे। तो आपका तो काम बन जाए, उस जमाने में रुपया बहुत बड़ा था। बिल्कुल सही। अच्छा जी खाबर साहब, अब ये है कि आयल कंपनियों ने जो तमाशा लगाया, और ये मुल्क ऐसा है कि मसलन अगर हुकूमत कोई रियायत आवाम को देना चाहे तो मौत पड़ जाती है कि किसी को फायदा ना पहुंच सके, या अगर बाहर से कोई डोनेशन आ जाए उसको डिस्ट्रीब्यूट करना हो। मसलन आपने देखा कि कोरोना के दिनों में कौन कौन सा हाल नहीं हुआ कि भाई जाली सैनिटाइजर मास्क महंगे, और फिर यह एक्टेमरा जो टीका है उन्होंने 6 लाख तक ले गए, फिर प्लाज्मा बेचना शुरू कर दिया, फिर कौन लोग हैं। अब ये है कि ऑयल कंपनियों ने कहा कि तेल से हम क्यों दें, हालांकि तेल जब आता है, जब महंगा मसलन जाहिर है हो जाता है, उसी इन लोगों को मिलना शुरू हो जाता है, वो बंद कर देते हैं। आपने आज तक टिल टुडे इस पर कहा है उनको नहीं काबू पा जा सका, वो इसलिए कि लोगों ने एक तरीका इस्तेमाल कर लिया, वे अदालतों का सहारा ले लेते हैं। उधर है जस्टिस साहब ने जब तक पढ़ना नहीं होता, जवाब नहीं देना होता, तो उनको पता चलता। लेकिन मैंने ये सुना कि जितनी देर उन्होंने गुजार ली आज हो गई, आप देखें कि 26 तारीख है आज, तो 26 तारीख तो उन्होंने इसको कुमन कटी डाल दिया, यानी जो उन्होंने मुनाफा जो लोगों को मुंतकिल नहीं कर सके जो रियायत है तो उसमें वो कामयाबी में महत्व। अब ये है कि फैसला आ गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जब उन्होंने फिर रिट की कि ये तो ये हमारी कर ही नहीं सकती इंक्वायरी, कोई भी नहीं कर सकती। अगर कोई भी नहीं कर सकती तो मुल्क में काम कैसे करते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? कानून की पासदारी होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादती की आयल कंपनियों के मालकान ने, उनके जिम्मेदारान ने, उनके खिलाफ जो है मेरे ख्याल में जब पहला दूसरा दिन ही था माह जून का, कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए थी। मैंने कल रात भी एक पेट्रोल पंप को बंद देखा जहां सप्लाई पहले स्टे भी मिल गया था है जी, स्टे भी मिल गया था। अच्छा, तो अब सूरत हाल ये है कि अब फिर जैसा कि समरी भेजी गई है और तेल सस्ता होने की बातें हो रही है, पता नहीं समरी मंजूर होती है या नहीं, समरी भेजी गई जिसपे कल हमने बात की थी, तो बात वही जो मैं पहले कहता हूं, ये इंतजामी सलाहियत, ये सूबाई हुकूमतें हों, जिली हुकूमतें हों, डीसीओस तक हों, वजीर आजम से लेके डीसी तक, ये सब लोग जिम्मेदार होते हैं। जो लोग कानून की अमलदारी नहीं करते, जो लोगों को लूटने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन अगर हुकूमती सतह पे कोई रियायत मिलती है, इसकी तनजली की वजह क्या है कि एक दिन में हुआ है, मुझे ये याद है क्योंकि मैं भी इंतजामिया का छोटा मोटा पुर्जा रहा हूँ, क्योंकि पहले तो इंतजामिया का एक तहसील का एक छोटा सा पुर्जा ही काफी होता है कि एक मैजिस्ट्रेट जो इलाका मजिस्ट्रेट जिसको आप कहते हैं, तो टोटल डोमेन में उसकी चीज आती है, जो भी काबिल दस्तनादी पुलिस है उसमें ये सारा कुछ आता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में सियासत उस अरूज पर पहुंच गई कि सियासतदानों ने शुगर मिले, फ्लोर मिले, इस तरह की चीज़ें, इनके साथ उनके कनाइमेंस, इनके साथ उनकी कोऑर्डिनेशन, उनके साथ हिस्सेदारी, तो जाहिर है कि इंतजामिया कमज़ोर दर कमज़ोर होती है। मैंने तो वो भी दिन देखे जब मिलों के अंदर डिप्टी कमिश्नर जो है वो घुस नहीं सकते थे शुगर मिलों के अंदर, और मैंने देखा कि पुलिस के SP को एक मिल से बाहर निकाल दिया गया, आई एम द विटनेस। वजह यह है कि फिर लोग कहते हैं हमारी ट्रांसफर हो जाएगी, तो इंतजामिया आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होतीगी। वरना क्या ये आप जिस तरह भी आप बात कर रहे थे कि ये तेल कंपनियों के पास स्टॉक लिखा हुआ नहीं होता तो जबरदस्ती उससे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करवाया जा सकता? इकबाल शाह साहब, पाकिस्तान में जो करप्शन है वो जिंदगी का जुज्वे लाजम बन चुकी है,
वो इतनी शदीद नीचे जड़ों तक जा चुकी है कि हम बातें तो करते हैं कि जी इंतजामिया डीसीओ वजीर आजम फलां वजीर अल्लाह सारी बातें करते हैं, लेकिन करप्शन नीचे तक फैल चुकी है। उसकी रीजन क्या है? रीजन क्या है? पाकिस्तान में जब सियासत ने करप्ट होना शुरू किया तो फिर सब लोगों के लिए मेरे नजदीक रीजन और है। एक तो वो रीजन है कि कहते हैं कि जो जो बीमारी है दिमाग से शुरू होती है, जब दिमाग बीमार होगा तो सारे जिस्म को ऐसा ऐसा लपेट में ले लेगा, जब ऊपर से करप्शन में लिथड़े हुए लोग होते हैं तो वो कहते हैं कि ये ठीक है। नंबर टू, जिसको ब्यूरोक्रेसी के ऐसे ऐसे नायाब हीरे रहे हैं जिन्होंने अपनी बड़ी बड़ी सजाएं भुगती वो डटे रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसी सलाटें आती रही, उनका भी लड़ने का फायदा कोई नहीं बाद में यानी जिंदगी। अभी आपको अपना क्वेटा की बात बताते हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब का मुझे वाकया याद आ गया, जब उन्होंने जस्टिस काकड़ साहब की अदालत में भी अपने ट्रांसफर के लिए कहा है, जी मुझे 7 साल हो गए, 14 ट्रांसफर मेरी हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि आप सिस्टम के साथ जीना सीखते क्यों नहीं है। ये परसों की बात है। अब ये है कि लोगों ने फिर सोचा, जो ब्यूरोक्रेट समझदार थे उन्होंने कहा चलो तुम उधर को हवा हो जिधर को साथ ही मिल जाओ, सिस्टम का हिस्सा बन। मैंने आपको बताया कि नीचे तक जा चुकी है। उसकी मिसाल ये है कि मेरे बच्चों ने मुझे बताया है कि उन्होंने एक वाकया देखा कल परसों कि एक छोटी वैगन में एक पूरी फैमिली जो है वो घर से कहीं जा रही थी और उस वैगन में मेरे बच्चों ने कहा कि जी 9 अफराद थे और जो एक कांस्टेबल खड़ा हुआ था एक नाके उसने रोका कि आप वायलेशन कर रहे हैं जो जो रूल्स बने हैं इसके कोरोना के हवाले से। तो गुफ्तगू के दौरान वो देखा गया कि उस आदमी ने फी कस 100 रुपया लिया और 7 बंदों के 700 रुपया लिए और वैगन को जाने दिया। ये आपके SOPs है। जब हालत यहां तक आ जाए तो उसके बाद क्या आप बात करते हैं? नाज़रीन, बात तो यह है कि बात है रसवाई की। मसलन इतना खूबसूरत मुल्क है तो आहिस्ता आहिस्ता हम यानी लाभ जो है उसके उसकी इम्प्लीमेंटेशन बड़ी मुश्किल होती जा रही है और जब किसी को भी इंसाफ नहीं मिलता, ख़ास तौर पर उस दबे हुए तबके को इंसाफ नहीं मिलता, तो मैं समझता हूँ कि मुआशरे में अनारकी फैलती है। इंसाफ सबके लिए बराबर है। हम तमाम अदालतों की इज्जत करते हैं कि उम्मीद है कि सबको इंसाफ इसी वक्त मिलेगा। थोड़ी देर के लिए हम पर जा रहे हैं तो हमारे साथ रहिएगा। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपने इबादतगाहों मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा उसूल, हमारी सहाफत, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। रंगों की दुनिया से सितारों की कहकशां में, क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शेजुद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। सबसे पहले आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपने इबादतगाहों मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा उसूल, हमारी सहाफत, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है? मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी, सेहत, इंसाफ और तालीम का मियार। पाकिस्तान के कोने कोने में हर वाकये की हमें खबर है, क्योंकि हम हैं हर जगह मौजूद। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मैं हूं सना अर्शद।
खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے؟ صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تعلیمی نصاب سے تحقیق میدان تک، مدارس سے یونیورسٹیز تک، لیبورٹریوں سے رصدگاہوں تک، تعلیم اور صحت کی دنیا کا احوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں علی طارق، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ آپ आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपने इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा उसूल, हमारी सहाफत, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है? मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी, सेहत, इंसाफ और तालीम का मियार। पाकिस्तान के कोने कोने में हर वाक्य की हमें खबर है, क्योंकि हम हैं हर जगह मौजूद। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपने इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा उसूल, हमारी सहाफत, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। शिराज निसार, थानों से अदालत तक, जुर्म से सजा तक, कमजोर की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी, खौफ से खामोशी तक। आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ़ुज़ पैदा न कर सकी? मुआशरे में मौजूद ला कानूनियत और हुकूमत की रिट को रखूंगा आपके सामने। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे। वेलकम बैक नाजिम। खबर है माशमी साहब, सिंथिया डी रिची, वो कहाँ से सफ़र शुरू किया? रहमान मलक से मुझसे ज्यादती की, कई लोगों पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, इन साहब का वजीर आजम पर, और ये है कि अब वो एक तफरी का सामान बन गई है। पहली बात तो यह कि पीपल पार्टी ने हाई कोर्ट में भी रिट की, किसी मुल्क बदर किया जाए, लेकिन वो तो स्टेज लगा के मुख्तलिफ जगहों पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, वो पोज बना रही है और सारी पाकिस्तानी कौम एंजॉय भी कर रही है। ये भी क्या हो रहा है? कौन कौन सा, कौन लोग ये हर, कौन लोग हम हैं? हम कौन लोग हैं? बस ये तो कौम जो है एक ही तरह के सब लोग हैं। तमाशबीन से गुलाम बन गए। तो बड़ा अफसोस है कि मेरी उन तक रसाई नहीं हुई और मैं तो हैरान रह गया हूँ। अच्छा, जरा उनकी वीडियो देख ले पहले। आप वीडियो जरा देख लेते हैं, ठीक है? वीडियो दिखा दे। Welcome to emerging Pakistan. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Hello, how are you doing? How are you feeling today in Lahore? Major Kuba Shukri, kaisi aap? I'm perfect, I'm all right, good. Zabardast. Okay, so
Would you like to tell us about this today's social media convention? Well, I would, but somebody behind us is talking. So, are we talking to him? No, I'm talking to with oh, you. Okay. Yeah, okay. I'm talking with you. I just would like to ask you that if we talk about the social media convention, okay? There are too many things. What because the basic purpose was to give the training to the youth. Mm. So what do you think? How much training has been given to the youth? Because there are too many discourteous and uncivilized words being used in the politics of the Pakistan, and you are representing PTI. What would you like to say about that one? Well, first of all, I want to be clear. I don't represent PTI. I'm here as a friend of Pakistan, and I have been invited to attend all of the social media summits of all the major political parties within Pakistan. I do agree that there is a lot of discourteous communication within social media and traditional media as well. There's always room for improvement, the same in Pakistan as well as America. I think that we can always disagree without being disagreeable, and I think the leaders should lead by example, and that's one of the core messages that I think that should have been emphasized perhaps a little bit more. Leaders should always lead by example. In other words, articulate. Khawar sahab, aapne dekha video dekhi hai, wo to masalan American khatoon jo hai wo 10 saal se idhar hi hai, uska maqasid kya hai, freelancer journalist hai ya aur uske back mein jis tarah wo kehte hain jo hota hai wo nazar nahi aata, jo nazar aata hai wo hota nahi hai. Emerging Pakistan mission par hai, Pakistan ka jo vakar hai, जो यहाँ का कल्चर है उसको दुनिया से रोशनास कराना चाहिए, रोशन चेहरा दिखाना चाह रही अच्छी बात है, उनका दावा है. तो ये कि मेरे ख्याल में ऐसी गुत्थी है जिसे आसानी से सुलझाया नहीं जा सकेगा. अब इनके खिलाफ एक तो केस था बेनजीर वाला, वो कल खत्म हुआ. अब दूसरा केस था जिसमें ये गई है इस्लामाबाद हाईकोर्ट में. तो जब ये पेश होने के लिए जा रही है अदालत में, तो जिस तरीके से वुकला और साइलिन की जो फौज जफर मौज इनके साथ चल रही थी, तो मुझे वो अयान अली याद आ गई कि मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे आसमान से कोई परी या हूर उतर रही है और हर पाकिस्तानी उसे कैच करने की कोशिश कर रहा है. तो ये एक और मैं एक और बात आपको बताऊं कि मैं हैरान रह गया कि एक टेलीविजन ने इसका पुराना प्रोग्राम चलाया है एक घंटे दौरानिए का, ये परसों की बात है. तो उस एक घंटे के दौरानिए में संथिया ने उर्दू प्रोग्राम में उर्दू में गुफ्तगू की है. खान अजमत से इस मुल्क में मैंने ये देखा, बड़ा कोई देखा ये नहीं है कि जो होता है वो नजर नहीं आता, जो नजर आता है वो होता नहीं आता. ब्लैक वाटर की आपने बातें सुनी होंगी, वो किस कंट्रैक्टर के तौर पर पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में उनकी ड्यूटीज क्या थी, उन्होंने काम क्या किया. इस तरह पे कई लोग यहाँ मर्डर भी, उनके नाम आपको भी पता है, मुझे भी पता है. नहीं, पाकिस्तान में ही आखिर में इसी पाकिस्तान में नहीं, लॉरेंस ऑफ अरेबिया किस रूप में रहा, वापस जाके अमेरिका में वापस आके तो पीर जो उसका नाम था करम अली शाह साहब के साथ नाम से यहाँ रहा. नहीं, पाकिस्तान की हैरत कदा है, यहाँ कई मुल्कों के कई लोग कई कई रूप में है. अब पाकिस्तानी अवाम तो एक तमाशा मत समझे, पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो ऐसा कमतरी का शिकार है, वो हर गोरे को अपने से बरतर समझते हैं. तो यही मैं मुझसे नाज़रीन को कहता हूँ कि आप अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, ये बात दुरुस्त है कि ज़ाहिर है ये गैर मुल्की हैं, उनके अपने अपने मिशन हैं, तो आप भी इन पर नज़र तो ज़रूर रखा करें. सिर्फ यही नहीं, जिस तरह खबर नहीं माशिम साहब ने ये कहा है कि कोई भी अंग्रेज आ जाए तो हम उसको समझते हैं कि ये जो है ना, ये हम ये आला नस्ल का है, उसके मकासद आपको यानी नुकसान भी पहुँचा सकते हैं. तो प्रोग्राम का वक्त अब इख्तिताम पज़ीर हुआ जाता है, तो इंशाल्लाह कल एक नए मौजू के साथ आपके साथ पास हाजिर होंगे. आप अपना और अहले खाना का ख्याल रखिएगा. पाकिस्तान जिंदाबाद.